Hello, Nectorial creature. Be natural, be yourself, and you know, old school motivational quotes. Assalamu alaikum, Nectorial creatures. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Mera naam hai Safi. आज से आपका नाम है, आज जो व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सॉरी सुन रहे हैं, उनका नाम है नेक्टोरियल क्रिएचर्स, जिसका मतलब है रात की मखलूक, जो कि आप हैं, क्योंकि हम भी रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं इसको रात को ही सुन रहे हैं। अगर हमारी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और हमारे से आपके जो है मेंटल लेवल मैच कर रहा है। इस पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है वो मुख्तलिफ किस्म की मिथिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, कभी कभी हम टेक्नोलॉजी ट्रेंड पे भी डिस्कस करेंगे और कभी हम साइंस रिलेटेड स्टफ़ जैसा जनरल हमारे चैनल प्रोजेक्ट सफ़ी और SyfyJax पे मौजूद होता है उसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे, और कभी कभी हम बिहाइंड द सीन जो फ़नी वाक़यात हुए या ऐसी सिचुएशन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारे लाइफ में, रियल टाइम लाइफ में कोई भी इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उनके बारे में डिस्कस करना। तो डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में ये चीज़ जाती है, कुछ तो मिथ्स होती हैं कि गाड़ी चलते चलते सामने एक दुल्हन नज़र आ गई, हमें उसके साथ बिठा लिया, उसके पाँव उठते थे। लेकिन हम रियल टाइम में जो होगा, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे छोटे मोटे, और वो होते हैं इतने एग्जैजरेटेड भी नहीं होते, पार्डन माई इंग्लिश, पार्डन माई फ्रेंच, तो वो शेयर करना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, जहाँ तक मुझे याद है मेरा पहला और लास्ट एक्सपीरियंस था, तो हम ना एक व्लॉग शूट कर रहे थे अपने पुराने चैनल के बारे में जिसका नाम था अपरेटिव 3। तो उसमें हम जो है ना एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, हम असल में ना शेखुपुरा में रहते हैं, तो वहाँ के एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है वो है हरन मीनार। वो तकरीबन हमने दो साल पहले रिकॉर्ड की थी ना, तकरीबन दो ढाई साल, तब वो उनका जो पीछे जंगल था ना, असल में आपको हिस्ट्री में बताता चलूं कि हिरन मीनार असल में जो है एक हिरन का मीनार है, जो कि एक शेहू का था। शेहू का असल नाम, शेहू का असल नाम नहीं पता मुझे, हाँ मुझे नहीं पता, जस्ट गूगल कर लेगा मेरे ख्याल से वो है, क्या नाम है जिसका नाम जहांगीर था, जिसका नाम जहांगीर था, वो जहांगीर का मकबरा असल में लाहौर है। तो इसकी ये भी चीज़ है कि जो लाहौर का किला है उसमें में एक कुआं है, वो खुलता है हमारे जो है शेहूपुरा के हिरन मीनार के कुएं से। कुओं से याद आया कि कुओं के नीचे जो इसने बताया नहीं कि कुओं के नीचे सुरंगें थी, तो जंग के दौरान उन्होंने सुरंगें बंद कर दी, तो फौजी जो थे ना वहीं फंस के रह गए, वहाँ से शेखपुरा वाली साइड से भी बंद कर दिया था, लाहौर वाली साइड से भी बंद कर दिया था। डोंट कोट मी ऑन दैट, बट ये ऐसा सुना गया। वहाँ पे जंगल होने की वजह से अभी भी हल्का फुल्का जंगल है बैक साइड पे, वो एक्चुअल जंगल तो नहीं है, खैर मतलब एक सो कॉल्ड जंगल लगता है। तो अब वो बंद हो गया, जब आप सुन रहे हैं मतलब इन 2019 वो चीज़ अब बंद कर दी गई है। तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे, पूरा दिन हमारा था वहाँ पे, एक जंगल में गए थे, एक जंगल है वो लगता है जंगल है बहुत मज़े का, लेकिन एक्चुअली वो जंगल नहीं है, एक नेचुरल है जिस चीज़ को उन्होंने जो है पॉलिश नहीं किया हुआ। तो वहाँ पे हम गए थे, वो बड़ी वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना, खुद को अभी डरा रहे थे कि ये आ गया वो आ गया, पाँव के नीचे ये है फिर वो है। फिर जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ तो वहाँ पे हम जब जा रहे थे, तो जंगल में जाते जाते हम एक्चुअली 3 लोग थे, है ना, हाँ मुकर्रब था, मैं था, हाँ और मैं था, तो हम फजल नहीं था, हाँ, मुकर्रब था और मैं अच्छा, था और तो वहाँ जाते जाते मगरिब का टाइम हो चुका था, और हमने सुना भी हुआ भाई असल जीन बूथ जो होते हैं वो मगरिब के बाद निकलते हैं। वहाँ के काम करने वाले लोग थे ना, वो मैं बता रहे थे कि पता नहीं वो गप्पे छोड़ रहे थे या क्या था, लेकिन वो कहते थे जी दे रियली एग्जिस्ट देयर, वहाँ पे देगे वगैरह पका रहे होते हैं। लेकिन इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हेयर दैट कि रात को जब वो मजदूर वगैरह वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो महकमा आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, तो वो फिर रात को एज ए चौकीदार वहाँ पे जब होते हैं तो वही लोग बता रहे थे कि जंगल वगैरह में मतलब इस तरह की अजीबोगरीब हरकत वगैरह होती हैं। और अब तो वहाँ पे ना वो बन गया गेस्ट हाउस बन गया है, आप तो बहुत ज़बरदस्त पेमेंट कर दिया, कंटिन्यू योर स्टोरी। हाँ तो हम वहाँ जा रहे थे, तो हम 3 थे, पहले तो सफी साहब गए रिकॉर्डिंग करने, गए आगे गया, और फॉर द रिकॉर्ड आई वाज द ओनली वन ब्रेव इनफ
to go into the. असल में हम late हो रहे थे इस वजह से मैंने बोला I'm very good at timing you know. इस blog इस podcast की description में video का link है उसकी ending पे जा कर देख ले हकीकत आपके सामने होगी. मेरे साथ हुआ था कि मैं जा रहा था सीधा जा रहा था अपने जाने मैं डरा भी हुआ था. जाहिर बात है कोई चीज़ आपकी ना लाइफ में तभी होती है जब आप उससे दिमाग में बिठा लेते हो. साइकी होती है आपकी तो वो चीज़ आपके ये चीज़ बीमारियों में भी होती है. ये एक अनदर टॉपिक है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे. तो सीन ये था कि हम जाते जा रहे थे तो मेरे आंखों के सामने से एक वाइट चीज़ करके गई. आई वाज लाइक व्हाट. तो मैं उस टाइम फुल थ्रेट हो गया क्योंकि मेरा यू आर गिविंग मी गूज़बम्प्स मैन. आई कैन रिकॉल ऑल दैट. या एग्जैक्टली बहुत मज़े का था ये सीन. तो उसके बाद जब हम आगे जाते गए नीचे से बिल्ली नजर आई. एंड बिल्ली इज द सिंबल ऑफ जिन भूत. एग्जैक्टली इस्लाम में भी है कि जहाँ बिल्ली और कवाबी है शायद बिल्ली और सांप का क्लियर मुझे याद है कि जहाँ हो उन्हें तीन दफ़ा बोले कि अरबी में एक आयत है वो पढ़ें तो वो अगर वो चले जाएँ तो बेहतर है. तो वो नहीं जाते तो हम जाएँ तो वो जानवर ही है. अगर वो चले जाते हैं तो फिर वो जिन था. तो बिल्ली थी और बिल्ली भी गुजरी भी सामने से तो वो हम और डर गए बल्कि मैं डर गया. तो वहाँ से जाते 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 सामने से फिर एक और चीज़ गुजरी पीछे से गुजरी. निकलो भाई निकलो बाहर इधर से. मैं अकेला निकला बाहर. चलो भाई चलो सारे आगे. पर ये हमारी जो मेरा एक यही था मेरा एक वन एंड ओनली एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ हुआ था. मैं जब जो मेरे साथ यार शुजा एक्सपीरियंस हुआ है वो शुजा एक्स मामू के घर में था. उनके घर थोड़ा रिमोट एरिया में है फैसलाबाद से थोड़ा आगे जाए समुंदरी में. आप तो काफ़ी डेवलप हो चुका है. उनके घर था उधर तब मैं बहुत छोटा था. मेरी दादी माँ भी हयात थी वहाँ पे. जनाब रात को ना वो नानी माँ का काफ़ी अम्मी वगैरह बातें बताती होती थी कि नानी माँ को जो है वो जिन वगैरह बातें बताते हैं और इस तरह करके. वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ती थी आयतें और काफ़ी कुछ उन्हें आता था और मतलब एक हिसाब के आमला ही थी. तो वो आमला फीमेल. अच्छा हमारे घर के बिल्कुल सामने जो मामू का घर है ना उसके घर के बिल्कुल सामने एक रूढ़ी थी जिसमें वो हमें हमेशा मना करती थी कि वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना. जब भी अगर हम उसके आसपास भी नज़र आ जाते तो हमारी अच्छी खासी चित्रोल होती थी. तो एक दिन क्या हुआ नानी माँ वगैरह गए हुए थे बाज़ार. तो जनाब हम रूढ़ी पर क्रिकेट खेल रहे हैं उसी जगह पर. तो उस जगह पर क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी अर्सा खेलते रहे. अच्छा. तो रात को जनाब हम वापस जब घर आए हैं सो गए आके. तो उनके घर में ना जो वॉशरूम था ना वो कॉर्नर में था घर क्रॉस करके पूरा. आपको पता ही है घर जो है देहातों में किस तरह के होते हैं खुला सारा से नुक्कड़ में. सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ कि किस जगह पे था ये डिफाइन नहीं किया. ये फैसलाबाद से थोड़ा सा आगे आगे समुंदरी में था बता तो रहा हूँ कि ये रिमोट एरिया में है थोड़ा. अब तो वो काफ़ी डेवलप हो चुका है उसमें. अब मैं वहाँ से क्रॉस करके जाना था सेन में सारे सोए हुए हैं सामने. मतलब मैं से क्रॉस कर रहा हूँ तो सामने जो है वो छत है सीढ़ियाँ तो उसके सीढ़ियों के बिल्कुल सामने वाशरूम था. तो मैंने वहाँ जाना था तो नानी माँ को मैंने कहा कि मैंने वाशरूम जाना है. तो वो कहती उठ के चले जाओ. मैं गया हूँ तो थोड़ा सा आगे गया हूँ सीढ़ियों में मुझे एक हयोला नज़र आया. मुझे याद नहीं कि मैंने क्लियरली क्या देखा है लेकिन इट वाज सो फ्राइटनिंग कि मैं अब भी याद करता हूँ मेरे बाल खड़े होते. मैंने चीख मारी मामू लेटे हुए हैं मैंने उनके सर पे खड़े होकर चीख मारी है. तो वो जनाब सोए हुए पूरा घर जाग गया. वो सोए हुए खराटे मार रहे फुल टाइम. डीप स्लीपर. मैं सो चलो वाइट व्हाइट कलर की यार सजा कोई चीज़ थी शुजैक्स. आई वाज पॉइंटिंग आई गॉट सम ओके सो सॉरी. व्हाइट कलर की चीज़ थी जो ऐसे झुक के ना मुझे उसने इशारा किया कि मेरी तरफ आओ हाथ के साथ. तो मैं छोटा था. अब वो शायद मेरी बहुत हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन थी ज़्यादा. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा उसको सर पे सवार कर ली थी क्योंकि नानी माँ हर दफ़ा मना करती थी उस रूढ़ी पर नहीं जाना उस रूढ़ी पर नहीं जाना. तो मे भी इस वजह से था सबकॉन्शियसली हम जो है वहाँ पे जाके हमने खेला. तो फिर रात को मुझे ये हलूसिनेशन हुई लेकिन इट वाज वेरी चिलिंग एक्सपीरियंस. और मेरा ख्याल है उसके बाद से अब तक एनिमल स्टार्ट हो गई है. उसके बाद से अब तक मैं काफ़ी हॉरर स्टफ में इंटरेस्टेड हूँ. तेरे अंदर है अभी वो चीज़ होगी कोई.
तो बस यार यही था हमारा एक्सपीरियंस कि जो मेरे साथ क्या हुआ, सभी के साथ क्या हुआ। तो अगर आपका भी एक्सपीरियंस है छोटा मोटा तो हमें लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग लिक्टोरियल क्रिएचर्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। पीस आउट। दोनों में से चूज कर लेंगे क्या नेक्स्ट टाइम चूज करेंगे। चल ओके बाय। अच्छा हाँ ठीक है, ये पॉडकास्ट का तू एडिट करेगा। हाँ मैं नहीं कर रहा, बस एट द एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटी नहीं।